प्रश्न नंबर दो है, अधोलिखितानाम प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। यहाँ देखिए प्रश्नानामुत्तराणि करके लिखा है, इसको देखो समझ लो पहले। ये प्रश्नानामुत्तराणि, यहाँ पे प्रश्नानाम उत्तराणि, इस तरीके से शब्द दो हैं इसमें, प्रश्नानामुत्तराणि। प्रश्नानामुत्तराणि प्रश्नानाम का अर्थ होता है प्रश्नों के, उत्तराणी मतलब उत्तर। यहाँ पे देखिए प्रश्नानाम उत्तराणी प्रश्नों के, ये प्रश्नानाम अकारांत शब्द है। बालक का जैसे बालका नाम बनता है, इसी प्रकार से प्रश्न का प्रश्नानाम बना है, तथा प्रश्नों के षष्ठी व्यक्ति है, तो षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक चिन्ह काकी के, इसलिए यहाँ पे प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर। लिखत लिखो, ये लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, अर्थात तुम सब लिखो। का प्रश्न है, कस्य भवनी सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। यहाँ पे दिया है कस्य भवनी, ये जो कस्य है ये किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका कस्य बनता है, और षष्ठी संबंध कारक में होती है, उसका चिन्ह काकी के होता है, अर्थात किसके या काकी के, ये जो चिन्ह होते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसका किसकी किसके, इनमें से जो उचित हो बुलाएंगे, अर्थात किसके भवनी अर्थात भवन में। यहाँ पे देखिए भवनी, जिस तरीके से बालक का बालके बनता है सप्तमी एक वचन में, भवन का भवने बना है, अर्थात किसके भवन में सर्वविधानी अर्थात सब प्रकार के सुख साधनानी सुख साधन आसन थे। ये जो आसन क्रिया लगी है, आसन ये लिंग लकार क्रिया है, और अस धातु प्रथम पुरुष और बहुवचन में ये रूप बनता है, यानी आसीत आस्ताम आसन। आसीत प्रथम पुरुष एक वचन, आस्ताम प्रथम पुरुष द्विवचन बनता है, वासन जो है बहुवचन बनता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वविधानी सुख साधनानी ये कर्तृपद जो है बहुवचन में, इसीलिए यहाँ पे आसन क्रिया भी बहुवचन के प्रयोग की गई है। कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, किसके भवन में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधनानी सुख साधन आसन थे। इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य। देखिए जिस तरीके से प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस विभक्ति में प्रयोग किया गया है, उसी विभक्ति में शब्द का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखना है, तो कस्य भवने श्रीकंठस्य भवने अर्थात श्रीकंठ के भवन में, बस यहीं पर केवल होगा, कस्य की जगह पर उसका नाम लिख दिया जाएगा, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख थे, तो यहाँ पर केवल उसका उत्तर लिख दिया जाएगा श्रीकंठस्य भवने अर्थात श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। केवल जिस तरीके से ये शब्द प्रयोग किया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसी प्रकार से कस्य तो श्रीकंठस्य, यदि यहाँ पर केन तो श्रीकंठेन, इस तरीके से मतलब जिस विभक्ति में सर्वनाम प्रयोग होगा उसी में शब्द का प्रयोग करना है, उसी विभक्ति में। तो उसके बाद यह कस्य गृह कोपि भृत्या नास्ति, किसके गृह, गृह मतलब घर में, यहाँ पे देखिए भवने यहाँ गृह ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, गृह अर्थात घर में कोपि, यहाँ पे पूर्व रूप स्वर संधि से कोपि यंगा पदांतादिति से को के बाद में जब कोई ह्रस्व आता है तो वहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है, ये अ का रूप है, इस तरीके बताया भी था पहले, यहाँ पे देख लो कोपि, तो को धन अपि, को के बाद में अ ह्रस्व आ रहा है, इसी अ का ये पूर्व रूप हो गया है, तो कोपि अर्थात कोई भी, अपि का अर्थ होता है भी, को का मतलब कोई, यानी कृष्णमूर्ति गृह सॉरी कस्य गृह किसके घर में कोपि कोई भी भृत्या अर्थात नौकर नास्ति, ये नास्ति जो मिला है तो ये न धन अस्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है नास्ति, न ना धन अस्ति, ना माने नहीं अस्ति माने है, कहने मतलब किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। उत्तर होगा कृष्णमूर्ति। अब देखिए कहो कि यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है कृष्णमूर्ति, तो षष्ठी का नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इकारांत शब्द कृष्णमूर्ति है, और कृष्णमूर्ति इकारांत शब्द है, इसके रूप मुनि की तरह चलेंगे, कृष्णमूर्ति ये शब्द मूल शब्द है, और इसका जो षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप जो बनेगा वो कृष्णमूर्ति ही,
इस तरीके से बनता है षष्ठी, षष्ठी एक वचन में। इसका अर्थ हो जाएगा कृष्ण मूर्ति के, और जिस तरीके से मुनि का रूप चलता है मुनि, मुनि का षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप रहता है मुनि है, मुनि ही रहता है। इसी प्रकार से कृष्ण मूर्ति का कृष्ण मूर्ति ही बना है। जब भी इकारांत होते हैं शब्द उनमें एक मात्रा लगाते हुए विसर्ग लगा देते हैं। तो कस्य गृहे, ये भी एक किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ये कृष्ण मूर्ति इकारांत शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप है, दोनों के अर्थ सेम है। तो कस्य अर्थात किसके, तो कृष्ण मूर्ति अर्थात कृष्ण मूर्ति के, गृहे घर में कोऽपि वृत्तया नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ कंठ का, यहाँ पे देखिए से लगा है षष्ठी व्यक्ति का है तो काकी के लगेंगे चिन्ह। तो श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार के माने किसने अकुर्वन किया। यहाँ पे देखिए के जो है वो एक हिंदी का शब्द नहीं है, ये के जो है किम शब्द का रूप है, किम, किम शब्द का प्रथमा व्यक्ति में कह कौ के, ये पुमलिंग में बनते हैं कहा कौ के, तो ये के जो है पुमलिंग का प्रथम प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है के, तो अर्थात किसनी अकुर्वन किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार के माने किसने अकुर्वन किया। उत्तर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही, श्रीकंठ का आतिथ्यम अर्थात अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति ने, तस्य माता पिता च, च मतलब और, तस्य माने उसके, किसके, कृष्ण मूर्ति ही, तस्य किसके लिए आया है, कृष्ण मूर्ति के लिए आया, तो तस्य अर्थात कृष्ण मूर्ति ही माता पिता, कृष्ण मूर्ति के माता पिता ने किया, अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ के का आतिथ्य सत्कार अर्थात अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति और तस्य माता पिता और उसके माता पिता ने किया। घ सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा माने हमेशा, ऑलवेज, और कुत्र अर्थात कहाँ, और सुखम सुख होता है, तो इसका उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबनी सुखम भवति, सर्वदा हमेशा स्वावलंबने, स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भरता में, यह सप्तमी व्यक्ति का रूप है तो सप्तमी में चिन्ह में पर होते हैं, तो इसलिए स्वावलंबने, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में सुखम सुख होता है, क्योंकि कहा भी गया है स्ववशम सुखम परवशम दुखम, अपने बस में रहने से सुख की प्राप्ति होती है और परवशम दुखम, और दूसरे के बस में रहने से दुख की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए सर्वदा स्वावलंबन लंबने सुखम भवती, हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख होता है। यह है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा आगच्छत, श्री कृष्ण, कृष्ण मूर्ति, यहाँ पे देखिए श्रीकंठा में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है, तो अर्थात श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति, यहाँ पे कृष्ण मूर्ति ही करके दिया है, तो इसका मतलब है ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, जैसा कि मैंने यहाँ समझाया था कृष्ण मूर्ति है, अर्थात ये षष्ठी का रूप है कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति है षष्ठी का रूप है, और कृष्ण मूर्ति का अर्थ होता है कृष्ण मूर्ति के, और यहाँ पे कृष्ण मूर्ति है तो कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति के गृहम घर प्रातः 9 बजे अगच्छन, 9 बजे गए अगच्छन, यानी श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम प्रातः 9 बजे, यहाँ पे देखिए अगच्छन लिखा है, अगच्छत होगा क्योंकि श्रीकंठ जो है श्रीकंठ गया था, तो श्रीकंठ चूंकि एक वचन में है केवल, तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति है गृहम कृष्ण मूर्ति के घर प्रातः अर्थात सुबह 9 बजे, 9 बजे 9 o'clock पर, यानी कि अगच्छत गया। च है कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संते, कृष्ण मूर्ति फिर देखिए कृष्ण मूर्ति आया है, तो इसका अर्थ होगा कृष्ण मूर्ति के, क्योंकि षष्ठी व्यक्ति का है और षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक में होती है और संबंध के चिन्ह काकी के होते हैं, तो कृष्ण मूर्ति के कति अर्थात कितने, कति का प्रयोग जो है हमेशा संख्या पूछने में प्रयोग किया जाता है, तो कति कितने कर्म करा सेवक संति हैं, कृष्ण मूर्ति के कितने सेवक हैं, कृष्ण मूर्ति के अष्टौ कर्म करा संति, 8
सेवक हैं। इस तरीके से हुआ कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के आठ नौकर हैं।